बधाई। संगठन की जो परीक्षा थी उस पर आप खड़े उतरे हैं, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मेरे मीडिया के साथी संजय भैया को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, मेहनत की पराकाष्ठा की। संगठन स्तर पर जैसे हमारी योजना है और हम जो काम करते हैं पन्ना प्रमुख पेज प्रमुख से लेके मंडल और जिले की योजना और प्रदेश कार्य समिति की योजना तक के काम करते हैं कार्यकर्ता। हम सब कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत करी और जी जान से सुबह से लगकर शाम तक जो मेहनत करी है उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की नीमच जावत और मनासा तीनों विधानसभा विजय हुए। उस जीत का श्रेय में सभी कार्यकर्ताओं को नीचे पेज प्रमुख से लेके स्थानीय समिति से लेके मंडल से लेके जिले के मेरे सहयोगी साथी तक के सभी को मैं वो जीत का श्रेय उन कार्यकर्ता बंधु को उन भाइयों को सबको देना चाहूंगा। नीमच में तो तीनों विधायक जीत गए लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज जी चले गए, अब सरकार आपकी नहीं है मध्य प्रदेश में, इस चीज को आप किस तरह से मतलब आप किस तरह से फेस करेंगे? प्रदेश का निर्णय तो ऊपर का निर्णय होता है और आपने बताया कि यहाँ कैसे फेस करेंगे। हमारे तीनों जनप्रतिनिधि जीते हुए उनको आगे रख के तो यदि कांग्रेस कहीं कोई भी काम गलत काम करेगी या हमारे जनप्रतिनिधियों के काम नहीं करेगी तो उस काम के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और नीमच की जनता, नीमच जिले की जनता के जो भी काम है, मूलभूत सुविधा से लेकर जो भी काम है, उन कामों को हम पूर्ण कराएंगे। मिशन 2019 का लक्ष्य लेकर भी हम काम कर रहे हैं और मिशन 2019 के लिए आज जो बैठक हमारी जो बैठक थी उस बैठक के अनुरूप हमने सब कार्य का विभाजन किया और कार्य का विभाजन करने के बाद में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव है उस लोकसभा के चुनाव में जो लीड नीमच जिले से 44,000 के लगभग जो मिली है उस लीड से डबल करके हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी सांसद प्रत्याशी होगा उसको विजय से लीड। मतलब ये कहा जा सकता है कि सुधीर गुप्ता जी प्रत्याशी नहीं रहेंगे? नहीं, सुधीर गुप्ता जी सांसद है हमारे अभी हैं। तो संगठन स्तर पे जब भी जो भी हमारा कैंडिडेट जिसको भी पार्टी टिकट देती है अगर सुधीर जी को मिले तो सुधीर जी, नहीं तो जिनको भी टिकट मतलब जो भी टिकट में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारा काम है काम करना नीचे कार्यकर्ताओं के साथ में, नीचे जो बूथ स्तर के जो काम है उस कामों को लेकर हम नीचे जाएंगे। निश्चित ही आने वाले समय में हमारा सांसद भी हमारा होगा और आप सभी के मैं चौथे स्तंभ के सभी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी सकारात्मक। आपने कहा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जिस समय केंद्र में राज्य में भाजपा की सरकार थी उस समय हमारे तीनों विधायक मिलके नीमच जिले की चिकित्सा व्यवस्था को सुधार नहीं पाए, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं ला पाए, ऐसी स्थिति में अब तो जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई स्टेट में, तो अब क्या डेवलपमेंट मिलेगा या फिर एक बहाना मिलेगा कि सॉरी एक्चुअली स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए? देखिए आप अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो ट्रामा सेंटर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बना और ट्रामा सेंटर के अंदर जितने डॉक्टर्स की थोड़ी बहुत कमी थी वो लगभग अभी सरकार थी। 418 लोग मरे हैं पूरे साल भर में बिना इलाज नहीं मिलने का? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 418 नहीं है, ठीक है। किसी के कोई पारिवारिक है कोई भी मतलब कोई भी परेशानियां होती है उसमें ज्यादा बीमारी होती है तो उस वजह से आप परमात्मा यहाँ चले जाते हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मगर अगर आपने एक और चीज कही कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में, तो अभी औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज एरिया का डेवलपमेंट चल रहा है, इंडस्ट्रीज उसके बाद में अगर देखें तो नई कृषि उपज मंडी का भी काम चल रहा है जो स्पीड चल रही है वो अगले 10 साल तक पूरी नहीं हो सकती। निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे तो वो कार्य प्रगति के ऊपर है और आने वाले समय के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीते हैं, इनके माध्यम से जो वापस इंडस्ट्रीज एरिया का और कृषि उपज मंडी का लोकार्पण कराएंगे। हेमंत जी हरित के जिलाध्यक्ष बनने के बाद और चुनाव से पहले संगठन स्तर पर काफी विरोध हुआ कार्यकर्ताओं में कि जिलाध्यक्ष बनना चाहे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने जो है इसको एक मतलब सही लाइन पे चलाया और तीनों विधानसभा आपने जीत के बता दी, तो आने वाले दिनों में क्या हेमंत हरित जी का पद बड़ा कुछ संगठन में दिखेगा? मैं संगठन का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और यहाँ तो एक और चीज है कि ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ना अमीर होता है ना कोई गरीब होता है, हम सब कार्यकर्ता की भावना से काम करते हैं। संगठन ने विश्वास किया और मेरे सहयोगी सब जिले के पदाधिकारी मंडल के पदाधिकारी सबों ने सहयोग देकर और पन्ना प्रमुख पेज प्रमुख मोर्चे के हमारे सातों मोर्चे
मैं वो भी बताना चाहूंगा कि युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और किसान मोर्चा, जैसे सात मोर्चे, सातों मोर्चे के युवाओं ने, सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से एक साथ एक दिशा में काम किया, उसी का परिणाम है हम सब मिलकर परिवार भाव से काम करते हैं। परिवार भाव में कमल परिवार के हैं, हमको परिवार भाव से काम करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है, एक साथ काम करता है तो निश्चित ही सफलता मिलती है। धन्यवाद मेरे जी। एक आखिरी सवाल, संगठन के अंदर क्या अब जो है, मतलब जैसे चुनाव हो चुके हैं तो क्या बहुत जल्दी जिला स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है? नहीं, ये मेरे को अभी इसके विषय में जानकारी नहीं है। हम अभी लोकसभा की तैयारी में लग रहे हैं, लोकसभा के लिए आज हमारे जो आगामी कार्यक्रमों की बैठक थी उस तो बैठक को कितने आश्वस्त हैं लोकसभा के लिए आप? हम तो मैंने बताया ना कि तीनों विधानसभा से जो 44,000 की लीड है उससे ज्यादा करके जीता के भेजेंगे, तीनों विधानसभा से उससे ज्यादा की लीड रहेगी। और आने वाले समय में मैं तो मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मीडिया के साथी जो सकारात्मक सोच से हमारा जो सहयोग करते हैं, निश्चित ही वो ग्रामीण मीडिया की आपने बात की है, पिछले 5 साल में आपके विधायक गण, नगरपालिका अध्यक्ष गण कभी भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। जब भी उनसे हिसाब पूछा गया, उनसे काम का पूछा गया तो वो मीडिया के सामने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। क्या ये परंपरा देखने को मिलेगी? नहीं, सभी मीडिया के साथियों से भी मिलेंगे, आने वाले समय में सबके साथ बैठेंगे परिवार भाव के साथ में। हम तो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ के साथ में बैठकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठेंगे, आप और हम मिलते रहेंगे, रोज बात करते रहेंगे, चाय की चौपाल, एक चाय और एक राय की बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।